पे शोभा यात्रा देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ की, और यहाँ पे तमाम भीड़ देख सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय खासकर काफ़ी इंतजार रहता है उन लोगों को कि योगी आदित्यनाथ की वो लोग वेलकम करें। ये सालों से चली आ रही है परंपरा और अपने महंत का ये लोग वेट करते हैं। एक अलग जो तस्वीर समाज में भले फैलती हो, लेकिन गोरखपुर में एक सामाजिक समरसता देखनी हो तो एक ये तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी, जहां पे अपने महंत का ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग लाइव देख रहे हैं। आपके साथ में हूँ नीतीश गुप्ता और हम इस समय गोरखनाथ मंदिर के पास खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। आज गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। नवरात्र खत्म हो चुका है और कल गोरखपुर में विजयदशमी मनानी है। यहाँ पे शोभा यात्रा देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ की, और यहाँ पे तमाम भीड़ देख सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय खासकर काफी इंतजार रहता है उन लोगों को कि योगी आदित्यनाथ की वो लोग वेलकम कर रही है। सालों से चली आ रही है परंपरा और अपने महंत का ये लोग वेट करते हैं। एक अलग जो तस्वीर समाज में भले फैलती हो, लेकिन गोरखपुर में एक सामाजिक समरसता देखनी हो तो एक ये तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी, जहां पे अपने महंत का ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बतौर महंत योगी आदित्यनाथ की यहाँ पे शोभा यात्रा निकल ली है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपने महंत का ये लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। चौधरी कैफुल वरा, मैं यही पुराना गोरखपुर का रहने वाला हूँ, महाराज जी के पड़ोसी हूँ, और हम लोग हमेशा महाराज जी का जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए हम लोग उनके सम्मान में यहाँ खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। हर साल आप लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं, इस साल किस अलग तरीके से आप लोग उनका स्वागत कर रहे हैं? हाँ, इस साल भी कर रहे हैं, हर साल करते हैं यार। अलग अलग किस तरीके से आप लोग इस बार स्वागत करें? इस पर फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं और इनका हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे खड़े हैं, और एक अलग सामाजिक समरसता अगर देखनी हो तो आप गोरखपुर के गोरखनाथ जब मंदिर आएंगे, और खासकर नवरात्र के समय में जिस समय योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकलती है तो आपको अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। और अगर आपको हम दिखाना चाहें तो देखें, यहाँ पे बकायदे बम पटाखे ढोल नगाड़ों के साथ आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे, और अपने महंत योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे एक नजर पाने के लिए आपको देख सकते हैं कि छतों पे भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे कि एक नजर। और वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पे आपको यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे, और यहाँ पे पीछे जो है रथ पर तैनात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। हर साल की तरह इस साल भी नवमी के दिन शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, कल विजयदशमी मनाई जानी है। और जो है आपको बता दें कि गोरखपुर में कल ही विसर्जन भी होगा। आप देखिए कि किस तरीके से पूरे परंपराओं के साथ अपने महंत का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और देखें यहाँ पे आपको डमरू बजाते लोग दिखेंगे, और ये डमरू बजाते वाले लोग काशी से आए हैं, काशी यानी बनारस से आए हैं। एक अलग इन लोगों का समिति है, वो लोग वहाँ से आए हैं, और बाकायदे आप यहाँ पे ढोल नगाड़ा देख सकते हैं, और यहाँ पे तमाम लोग नजर आएंगे जिस तरीके से आते हैं। और ये देखिए एक अलग आपको तस्वीरें नजर आएंगी, ये महाराज जी आपको नजर आएंगे हाथों में फरसा लेके, इनसे भी बातचीत करेंगे और इस जो ये जो परंपरा चली आ रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है महोदय? मेरा नाम आचार्य चंद्र प्रकाश मित्र त्रिपाठी है। ये बताइए कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा निकल रही है बतौर महान, क्या कहना चाहेंगे, महत्वता क्या है? इस बार भी और भव्य निकाला गया है, क्योंकि सनातन धर्म की संख्या बढ़ रही है, और अब पृथ्वी पर जब जब अत्याचार होता है तो सनातनियों की संख्या बढ़ती है, और किसी किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, इसीलिए कहा गया हाथों में फरसा लेके आप इंतजार कर रहे हैं, तमाम अलग अलग तरीके से भी उनका स्वागत किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम फरसे से ये लोगों को संकेत देते हैं कि जब जब पृथ्वी पर संहार हुआ है तो भगवान किसी किसी रूप में प्रकट हुए हैं और लोगों का संहार किए हैं। है वंश के लोगों का संहार करने के लिए फरसा से ही भगवान परशुराम जी 21 बार संहार किए थे। जय जय परशुराम। आपको तमाम जो है सभी नजर आएंगे जो आपको यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा में दिखाई देंगे। अगर आपको हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिए तमाम नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी हाल ही में क्षेत्र अध्यक्ष है बीजेपी के, और MLC धर्मेंद्र सिंह वो आपको नजर आएंगे, और उन्हीं के साथ गोरखपुर जिले के तमाम बीजेपी से जुड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे। और आपको अगर पीछे रथ की तस्वीर दिखाएं तो तस्वीर पे योगी आदित्यनाथ सवार दिखाई देंगे, और यहाँ पे देखिए पूरे रास्ते पर अलग अलग तरीके का इंतजाम किया जाता है, यानी शोभा यात्रा में जो भी लोग मौजूद हैं
जो भी लोग शामिल हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाती है। और इसी के साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के एक दर्शन के लिए आते हैं। हम आपको तस्वीरें गोरखनाथ रोड की दिखा रहे थे और फिलहाल अभी रोड देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है क्योंकि एक अलग मान्यता है। और यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे दिखाई देंगे क्योंकि अलग 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 एक तरीके से इनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।